जनपद हाथरस में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंग आए दिन किसी न किसी मजलूम पर सितम ढाते हुए दिख जाते हैं। मामला कोतवाली क्षेत्र के बालापट्टी एरिया का है, जहां राशन की दुकान से राशन लेकर अपने घर पहुंचे अनिल कुमार के ऊपर उसी के पड़ोसियों ने हमला बोल दिया। दरअसल अनिल कुमार शर्मा राशन की दुकान से राशन लेकर अपने घर पहुंचे और उन्होंने अपनी बाइक घर के बाहर रोककर अपने बेटे को आवाज लगाई। आवाज सुनने के बाद उनका पुत्र बाहर आया और गेहूं के कट्टे उतारकर घर में रखने लगा। तभी उनके पड़ोसी मुकेश ठाकुर ने हमला बोल दिया। उसने अपनी छत से पिता पुत्र पर ईंट बरसाना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले में 3 लोग घायल हो गए। इस हमले में अनिल कुमार शर्मा के गंभीर चोटें आई हैं, जिसको बागला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए अलीगढ़ के लिए रेफर किया है। इस संदर्भ में अनिल कुमार के भाई कृष्णकांत ने जानकारी दी। कृष्णकांत, ये कौन है जो घायल है? मेरे भाई अनिल कुमार शर्मा। तो क्या घटना हुई? राशन लेके आए हम लोग, राशन से आने के बाद बाइक से, और बेटे को हॉर्न लगाया, बेटा ने कट्टा उठाया। ये हमारी शक्ल देख के मुकेश कुमार ऊपर छत पर चढ़ गए, वहाँ से ईंटें बरसाई। मेरे भी चोट है, 2-3 और पट्टी करा के ले गए। पाठक जी हैं, 4 जने घायल कर दिए। 4 घायल, इनके ज़्यादा गंभीर है। तो इस मामले की पुलिस से शिकायत करी है आपने? जी, पुलिस ही तो आई थी जब हमको लेके गई। अभी FIR कराएंगे आप? कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे।